Hello friends, in today's lecture we will be discussing about inspection, search, seizure and arrest. चलिए कुछ जानकारी लेते हैं इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर एंड अरेस्ट के बारे में. जीएसटी में इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट का कॉन्सेप्ट जेन्युइन टैक्सपेयर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए बनाया गया है, जिससे जो टैक्स की चोरी करते हैं या फिर टैक्स कम पे करते हैं उन्हें ज़्यादा बेनिफिट ना मिल सके. प्लस ये इसलिए भी ज़रूरी है जिससे टैक्स पेयर्स के गवर्नमेंट की तरफ कुछ ड्यूज हैं तो वो भी पता चल सके. इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट की ऑप्शन एक लास्ट ऑप्शन मानी जाती है टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट रिवेन्यू. अब हम बात करते हैं पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर की. यहाँ पर अगर जॉइंट कमिश्नर या फिर किसी भी सुपीरियर ऑफिसर के पास कोई भी रीजन है, जैसे कि अगर किसी भी टैक्स पेयर ने गुड्स को सेल करा है और उसकी ट्रांजैक्शन को छुपाया है, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा क्लेम करा है, या फिर टैक्स की चोरी करने की कोशिश करी है, या फिर उसके पास स्टॉक्स इन हैंड है और उसने उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं बताया, या फिर किसी भी प्रोविजंस का उल्लंघन किया है, तो गवर्नमेंट के पास राइट्स हैं कि वो इंस्पेक्शन, सर्च या सीजर कर सके. इंस्पेक्शन का मतलब है कि यहाँ पर इंस्पेक्टर के पास अथॉरिटी है कि वो टैक्सेबल पर्सन के किसी भी प्लेस ऑफ बिजनेस, या फिर अगर कोई भी टैक्स पेयर ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस में है तो उसके वेयरहाउस या फिर गोडाउन को भी इंस्पेक्ट कर सकती है. लेकिन प्रॉपर ऑफिसर जो प्लेस ऑफ बिजनेस को इंस्पेक्ट करेगा उसके पास रिटर्न अथोराइजेशन लेटर होना चाहिए, और ये रिटर्न अथॉरिटी या तो जॉइंट कमिश्नर देता है या फिर उससे ऊपर की रैंक वाला कोई भी ऑफिसर. सर्च का मतलब है गवर्नमेंट का एक्शन जिससे ऑफिसर प्लेस, पर्सन या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से एग्जामिन कर सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ढूंढ सकता है जिससे क्राइम करने का कोई भी एविडेंस मिल सके. सीजर का मतलब है टू टेक पोजेशन ऑफ एनी गुड्स या प्रॉपर्टी फोर्सफुली, दैट इज बिना ओनर की मर्जी से किसी भी गुड्स या फिर प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में करना. अब हम डिस्कस करते हैं कुछ सर्कमस्टांसेस जहां पर इंस्पेक्शन करने का ऑर्डर दिया जाता है. जैसा कि हमने अभी बात करी है कि अगर टैक्सेबल पर्सन ने कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी हो लेकिन बुक्स में शो नहीं करा हो, या फिर टैक्सेबल पर्सन के पास स्टॉक्स ऑफ गुड्स इन हैंड हो लेकिन बुक्स में शो नहीं करे हो, या फिर ज़्यादा आईटीसी क्लेम करा हो, या फिर किसी भी टैक्स लॉस का उल्लंघन करा हो. अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो टैक्सेबल है या नहीं, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स के बिजनेस में है और उसने गुड्स छुपा कर रखे हुए हैं टैक्स की चोरी के पर्पस से या फिर बुक्स को छुपा कर रख. अगर किसी ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस या फिर गोडाउन ने गुड्स या फिर बुक्स को रखा है जिससे वो टैक्स बचा सके, तो यहाँ पर इंस्पेक्शन करने की अथॉरिटी है. अगर किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर गुड्स या फिर किसी भी चीज को सीज करा जाता है तो उसे तब तक ही सीज करा जाता है जब तक उसकी जरूरत एग्जामिनेशन या फिर इंक्वायरी या फिर प्रोसीडिंग्स के लिए है. लेकिन अगर इन सब की जरूरत नहीं है तो वो वापस कर दिए जाते हैं 30 डेज के अंदर जिस दिन से शो कॉज नोटिस इशू हुआ है. अब हम बात करते हैं सर्च की. सर्च वारंट के बिना कोई भी सर्च नहीं हो सकता. सर्च के टाइम पर लेडी ऑफिसर भी साथ में होनी जरूरी है. सर्च स्टार्ट करने से पहले जो भी ऑफिसर सर्च करने आया है उसे अपनी आइडेंटिटी शो करनी होगी एंड पर्सन इन चार्ज से भी सिग्नेचर लेने होंगे एज अ प्रूफ कि उसने सर्च वारंट देख लिया. सर्च करते टाइम एटलीस्ट 2 विटनेस होने चाहिए. एक पंचनामा रेडी करना होगा ऑन द स्पॉट जिसमें लिस्ट ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट्स जो सीज कर रखे हैं उनकी एक लिस्ट होगी और उस पर विटनेस के, ऑफिसर इन चार्ज के एंड पर्सन इन चार्ज ऑफ प्रिमाइसेस या फिर ओनर के सिग्नेचर होंगे,
और उसके बाद एक कॉपी पर्सन इन चार्ज ऑफ प्रिमाइसेस और ओनर को दे दी जाएगी एज एन एक्नॉलेजमेंट। सर्च कंप्लीट होने के बाद ओरिजिनल सर्च वारंट को इशूइंग ऑफिसर को वापस करना होगा। जो भी अथॉरिटी सर्च वारंट इशू करती है, सारे सर्च वारंट का एक रिकॉर्ड रखना होता है। सर्च वारंट में किस एक्ट का वॉयलेशन हुआ है वो मेंशन होना चाहिए, कौन सा प्रिमाइसेस सर्च करना है वो मेंशन होना चाहिए, जो ऑफिसर सर्च कर रहा है उसका नेम एंड डेजिग्नेशन भी मेंशन होना चाहिए, डेट एंड प्लेस ऑफ इशू भी मेंशन होना चाहिए, सीरियल नंबर एंड वारंट्स की वैलिडिटी भी मेंशन होनी चाहिए। अब हम कुछ और पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड सर्च एंड सीजर की बात करेंगे। अगर किसी भी गुड्स को सीज करना प्रैक्टिकल नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट्स है कि वो या तो ओनर को और कस्टोडियन ऑफ गुड्स को इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि गुड्स को अपनी जगह से नहीं हिलाएंगे या फिर उन्हें यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मशीन को सीज करना है बट यह पॉसिबल नहीं है तो ओनर या फिर कस्टोडियन को ऑर्डर दिए जाएंगे कि वो मशीन को यूज नहीं करेंगे ना ही टच करेंगे। गुड्स के कस्टोडियन और ओनर के पास राइट है कि वो सीज डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी ले सके प्रॉपर ऑफिसर की प्रेजेंस में। सीज गुड्स को रिलीज करा जा सकता है ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड्स या फिर सिक्योरिटी देने के बाद इन द फॉर्म GST INS 04 या फिर जो भी टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी देनी है उसके बाद। अगर गुड्स सीज हुए हैं तो ऑफिसर को 6 मंथ्स के अंदर नोटिस इश्यू करना होता है, एल्स गुड्स को रिटर्न करना होता है। नोटिस सर्व करने के टाइम पीरियड फर्दर 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड करा जा सकता है। अगर कोई भी सीज गुड्स पेरिशेबल या फिर हैजर्डस नेचर के हैं या फिर टाइम के साथ साथ गुड्स की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है या फिर स्टोरेज की प्रॉब्लम है तो उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने की परमिशन होती है। जिन गुड्स की हमने अभी बात करी है उन गुड्स को रिलीज करा जा सकता है अगर ओनर ऑफ गुड्स अमाउंट पे कर दे या तो मार्केट प्राइस के इक्वल या फिर टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के अमाउंट के इक्वल जो भी कम है। लेकिन अगर टैक्स पेयर अमाउंट पे नहीं करता देन कमिश्नर उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ करके जो भी अमाउंट रिलीज होगा उसको टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी या फिर किसी भी अमाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता है। प्रॉपर ऑफिसर को जो भी गुड्स सीज हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना होता है। सर्च एंड सीजर के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एप्लीकेबल है एंड पावर्स रिलेटेड टू मैजिस्ट्रेट टू बी पोजेस्ड बाय CGST और SGST प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास कोई भी रीजन है बिलीव करने के लिए कि टैक्स पेयर टैक्स की चोरी करने की कोशिश करी है तो वो राइटिंग में रिकॉर्ड कर सकता है और अकाउंट रजिस्टर या फिर डॉक्यूमेंट्स जो भी प्रॉपर ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस करे गए हैं उन्हें सीज कर सकता है और उसकी रिसिप्ट दे सकता है। किसी भी कमिश्नर या फिर ऑफिसर के पास राइट है कि वो गुड्स या फिर सर्विसेज को टैक्स पेयर्स से परचेज कर सकता है यह देखने के लिए कि टैक्स पेयर सही टैक्स इनवॉइस या फिर बिल ऑफ सप्लाई दे रहा है या फिर नहीं और गुड्स वापस करने के बाद अमाउंट वापस करता है या नहीं। अब हम बात करेंगे पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड अरेस्ट की। अरेस्ट का मतलब है किसी भी पर्सन को कस्टडी में लेना। अरेस्ट तभी हो सकता है जब टैक्स अमाउंट स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा हो। यहाँ पर सिर्फ कमिश्नर के पास अथॉरिटी है अरेस्ट के ऑर्डर देने की। अगर कोई भी पर्सन स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा गुड्स को कन्वेंस में कैरी कर रहा है तो उसे वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स को शो करना होगा। अगर कोई भी पर्सन टैक्स की चोरी कर रहा है या फिर कोशिश कर रहा है तो कमिश्नर के कहने पर प्रॉपर ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकता है। अगर पर्सन जो अरेस्ट हुआ है उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है तो उसे 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। कॉग्निजेबल का मतलब होता है सीरियस कैटेगरी ऑफ ऑफेंस वेयर अ पुलिस हैज एन अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट एंड टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विद और विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। मींस
अगर आपने 5 करोड़ से ज्यादा की चोरी करी है तो आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का बेल सिर्फ जुडिशियरी मजिस्ट्रेट के पास होता है, लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस है तो असिस्टेंट या फिर डिप्टी कमिश्नर बेल दे सकता है। अब हम बात करते हैं पावर्स टू इश्यू समन्स एंड एक्सेस टू बिजनेस प्रिमाइसेस की। अगर जरूरत है तो सीजीएसटी या एसजीएसटी ऑफिसर किसी भी टैक्स पेयर को समन्स भेज सकता है। समन्स या तो एविडेंस देने के लिए और डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए और किसी भी और चीज के लिए भेजा जा सकता है। ऑडिट करने के लिए स्क्रूटनी, वेरिफिकेशन और चेक जो भी जरूरी है गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बचाने के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑफिसर कर सकता है। ऑफिसर बिजनेस प्रमाइसेस को इंस्पेक्ट कर सकता है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी चीज को इंस्पेक्ट कर सकता है। ऑडिट ऑफिसर या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट के कहने पर पर्सन को जीएसटी से रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ट्रायल बैलेंस, ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिपोर्ट्स या फिर कोई भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को 15 दिन के अंदर अंदर प्रोड्यूस करना होता है। किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर लाइक पुलिस, रिवेन्यू, कस्टम ऑफिसर को सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए बुलाया जा सकता है। ये ऑर्डर कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी देता है। With this, we comes to an end of today's lecture. For further reference, you can refer the book Introduction to GST. Thank you.